में आपका स्वागत है। मैं हूँ आचल। फिर लौटा घायल हीरो सलमान, अजय, अक्षय जैसे हीरोज को टक्कर देने। अब लौटा है ओरिजिनल ही मैन। कितना दम है इस घायल हीरो में, आइए देखते हैं। ठग मारती है पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। अपने भाग रही कार, कार में बैठा हीरो, अचानक कार उछलती है और गिर जाती है। अब यह बात सुनकर आपका गला सूख गया होगा, तो देखिए अक्षय कुमार का यह स्टंट। रोड पर तेजी से दौड़ती कार, रोड के आसपास सैकड़ों की भीड़ का गला सूखा। कार के अंदर बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, अक्षय करने वाले थे अपनी लाइफ का सबसे डेंजरस स्टंट। देखते ही देखते अचानक जिस कार को अक्षय दौड़ा रहे थे वो पलट गई और उसमें आग लग गई जो जानलेवा हो सकती थी। हवा में कुछ फीट उछलकर कार जमीन पर धड़ाम से गिरी। आग लगने से कार के खिड़की दरवाजे धधकने लगे थे। फिर सन्नाटा छा गया। क्या अक्षय कार में फंस चुके थे? अपने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के प्रचार के लिए अक्षय ने किया था ये जानलेवा स्टंट। अक्षय की मदद करने स्पेशली ट्रेन्ड स्टंट स्पेशलिस्ट की फौज थी जिन्होंने अक्षय को सावधानी से कार के मलबे से निकाला, क्योंकि खिलाड़ी को अनाड़ी बनने में देर नहीं लगती। क्यों शर्माए सलमान, क्या हुआ जब सलमान खान आए डबल धमाल के इस स्टेप्स पर? लेकिन पहले सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ बनी डांसिंग क्वीन, आइए देखिए। Yeah.
इंडस्ट्री में सब जानते हैं सलमान खान की असलियत, कि सलमान खान कितने शर्मीले हैं। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए। सलमान आए अपने बेस्ट फ्रेंड संजय दत्त की फिल्म डबल धमाल के सेट पर, तो धमाल मच गया। कुछ समय पहले सलमान की फिल्म रेडी के सेट पर संजय दत्त भी आए थे रास्कल्स के लिए। और अब सलमान की आई बारी संजय दत्त को सरप्राइज विजिट देने की। सलमान का पाला पड़ा दो ऐसी लड़कियों से, जिनको देखकर सलमान भी शर्मा गए। लड़कियों ने भी सलमान को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ध्यान से देखिए, सलमान बड़ी सोच में डूबे दिख रहे हैं। क्या अपनी नई फिल्म के लिए कोई इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं सलमान भाई? अरे पर ये क्या, अभी आए अभी चल दिए। लगता है कि इन लड़कियों के साथ धमाल मचाने के लिए रेडी नहीं थे सलमान। आगे है इंस्पेक्टर दबंग और सलमान खान की किसने कर दी किस्मत ठीली, लेकिन उससे पहले एंटरटेनमेंट का ये डोज। से अब तक जो मैंने देखा है, दिस बीन द बेस्ट सीजन। दिस इज द थर्ड टाइम दैट इज कमिंग ऑन द शो। तीसरी बार आ रहा है, वांटेड के लिए आया था, दबंग के लिए और रेडी। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो शो का लकी मैस्कॉट है और हम उसके लकी मैस्कॉट है। जब भी वो कोई फिल्म के साथ आया, वो सुपर डुपर है। सलमान खान के बंद गए हाथ, किसने फेरा सलमान खान के अरमानों पर पानी? सलमान की कैसे हो गई किस्मत ढीली? एक बार काम करना शुरू कर दो, नो इनकम नो टैक्स। जो सब्जेक्ट रेडी का मुझे बहुत ही पसंद आया, सो आई हैव डन दिस फिल्म। और उम्मीद है और यकीन है कि आप सब लोगों को भी पसंद आएगा। रेडी को प्रमोट करने के लिए सलमान ने दिन रात एक कर दिया था, हर जगह ऐसी बातें की कि फिल्म को जमकर पब्लिसिटी मिली। जो मेरा कैरेक्टर है वो कतई ढीला नहीं है। लेकिन अफसोस, प्रमोशन के आखिरी दिन यानी कि रिलीज से ठीक एक दिन पहले लग गए सलमान की प्रमोशन को किसी की नजर। प्लान था रेडी के गानों पर कॉन्सर्ट में जमकर नाचने का, लेकिन फैंस और सलमान के उत्साह पर पानी फेरा मुंबई की पहली बारिश ने और सलमान का मैट कॉन्सर्ट हुआ कैंसिल।
very disappointed because I wanted to do this thing and we all are ready, the dancers are waiting. We all just did the rehearsals also today. In the evening it was very sunny, but I don't know how from where this water comes. I am missing him so much. He's very bad. He should come here, yaar. Salman was so excited to do. Still, he was waiting ki in case the rain stops, I will definitely come and join you all without the t-shirt. And the bike was also ready. He was coming on bike. दूसरी ओर बुधवार रात दुबई में हुए रेडी प्रीमियर ने सलमान को इतना थका दिया कि गुरुवार यानी कि रिलीज से ठीक एक दिन पहले सलमान ढंग से फिल्म को प्रमोट ही नहीं कर पाए। था कुछ एनजीओ के बच्चों को थिएटर्स में रेडी दिखाकर उनसे मिलने का, लेकिन अफसोस बच्चों को भी सलमान की कंपनी ज्यादा देर तक नहीं मिल पाई। बाय 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 बाय। उनके प्यारे सलमान भाई हर थिएटर में दो मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाए। मीडिया से मिलना तो दूर की बात थी, मुश्किल से किसी एक थिएटर में सलमान ने हिम्मत जुटाई मीडिया को अपनी शक्ल दिखाने की। कहीं बारिश तो कहीं थकावट, अब देखते हैं कि रेडी पर कितने दर्शकों की बारिश होती है। मुंबई से एकता सूरी, एनडीटीवी इंडिया। हीमैन इंस्पेक्टर संगम का तूफान एक और इंस्पेक्टर आ रहा है जिसकी दहाड़ से बॉलीवुड के शेरों की नींद उड़ जाएगी और आपको बताएंगे कि रेडी को मिले कितने स्टार। मैंने बेल्ट लिया और मैं भी मारने लगी, सबके सब हंसने लगे और कैमरा पे रिकॉर्डेड था। हे मैन इंस्पेक्टर अजय देवगन ने मचा दिया कोहराम, बॉलीवुड के शेरों की हो गई छुट्टी। गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार चिकरे। तू बाजीराव सिंघम शेर, तुम्हें जयकान शिकने शिकारे। वेलकम टू गोवा सिंघम। जिसमें है दम तो फक्त बाजीराव सिंघम। एक काजोल के होते हुए एक और नई काजोल कहां से आ गई अजय देवगन की जिंदगी में, क्या है ये गोलमाल? अजय देवगन की जिंदगी में काजोल की एंट्री हो गई है। गौर से सुनिए, हम अजय देवगन की पत्नी काजोल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। यहां तो बात हो रही है काजल अग्रवाल की, जो अजय देवगन की अगली फिल्म सिंघम की हीरोइन है। हाँ जी, एक्चुअली बहुत ही अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करके। वो बहुत ही स्वीट हैं और इतने बड़े स्टार होकर भी बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही हम्बल हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया।
लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट अभी बाकी है। काजल बॉलीवुड में एंट्री तो ले रही हैं अजय देवगन के साथ, लेकिन इनके फेवरेट एक्टर कोई और हैं। सलमान खान। तो सुना आपने, काजल के फेवरेट एक्टर है सलमान, वो सलमान जिनका अजय ने कॉफी विद करण में खुलेआम मजाक उड़ाया था। अजय से पूछा गया था कि अब सलमान के कमरे में जाएंगे तो क्या पाएंगे। सलमान खान, डंबल्स राइट होंगे, यानी डेब्यू अजय के साथ और गुंडा सलमान के साथ। दिलचस्प बात यह है कि सिंघम में अजय देवगन का रोल कुछ वैसा ही है जैसा एक्शन फिल्म दबंग में सलमान का था। एक करप्ट और फनी पुलिस वाले का। लेकिन काजल को तो ओरिजिनल दबंग ही सबसे ज्यादा पसंद है। सलमान खान। वैसे जहाँ काजल का ये जवाब अजय को परेशान करने वाला है, वहीं सिंघम के सेट पर देवगन की शरारत ने काजल की हालत खस्ता कर दी। कैमरा रोल हो रहा था और उन्होंने बोला कि अच्छा काजल, अभी ये बेल्ट आपको लेना है और इनकी पिटाई करनी है। तो मुझे लगा कि मैं इनकी पिटाई क्यों करूँ, इट डिडंट मेक सेंस टू मी। फिर उन्होंने नहीं नहीं आप करना ही पड़ेगा, ऐसा ही सीन है, हम औरत को एक नए रूप में दिखाना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहती है, ये सब मुझे लंबी लंबी कहानियां सुनाई। फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बेल्ट लिया। फिर मैंने उनको बोला भैया सॉरी, मैंने कभी किसी को ऐसे पहले मारा नहीं है, तो अगर लगे तो प्लीज यू नो सॉरी, मैं पहले ही बोल रही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने बेल्ट लिया और मैं भी मारने लगी, सबके सब हंसने लगे और कैमरा पे रिकॉर्डेड था। और फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये सब बकवास। वैसे बॉलीवुड के लिए काजल अग्रवाल भले ही नया चेहरा हो, लेकिन साउथ में वो 21 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। देखते हैं कि असिन की तरह उन्हें बॉलीवुड में जमने में कितने साल लगते हैं। मुंबई से वीना भाटे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आइए बात करते हैं रेडी फिल्म की। कैसी है रेडी फिल्म, जानते हैं विजय वशिष्ठ से, जो बताएंगे हमें रेडी फिल्म के बारे में। तो बताइए विजय जी, कैसी है रेडी फिल्म? नमस्कार, मैं हूँ विजय वशिष्ठ। फिल्म रेडी प्रेम यानी सलमान खान पर है, जिनकी मुलाकात गुंडे मामाओं से बचकर भाग रही संजना उर्फ आसिन से होती है। हमारी शक्ल मिलती जुलती है कि नहीं? चुटिया काटनी पड़ेगी। नहीं, दोनों मामा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और जायदाद के लिए संजना की शादी अपने सालों से कराना चाहते हैं। शुरुआती नोकझोंक के बाद प्रेम और संजना में प्यार हो जाता है और तिकड़मबाज प्रेम की मदद से संजना अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी कर लेती है। यह है राजश्री बैनर की किसी फिल्म की तरह, दोनों मामाओं को एक करना। सुनने में ये कहानी बड़ी आसान सी लगती है, लेकिन फिल्म में ये उतनी ही घूमी हुई है। डायरेक्टर अनीस बज्मी की फिल्म है, इसलिए लॉजिक की उम्मीद तो हमें थी ही नहीं। तभी तो दुबली पतली हीरोइन को पकड़ने के लिए गुंडों की पूरी फौज आती है, जो कौरव पांडवों की तरह ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों में आमने सामने होती है। डायलॉग्स का हाल और भी बुरा है, जैसे कि दोनों का एक ही सी है जिसकी क्वालिफिकेशन BA है। रेडी का आई मी माई सेल्फ डायलॉग वॉन्टेड के कमिटमेंट वाले डायलॉग के आगे फेल है। जिंदगी में तीन चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई मी एंड माई सेल्फ। ना दबंग जैसी कॉमेडी, ना वॉन्टेड जैसा एक्शन। फिल्म लंबी खींची गई तो अलग। हर कॉमेडी फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे जरूर होते हैं जो हंसाते हैं, रेडी में भी ऐसे थोड़े बहुत सीन्स हैं। बिगड़ायल बेटे के बहाने एक बहू ससुर को खुलेआम गाली देती है, और जब सलमान कहते हैं कि उनकी फैमिली हम साथ साथ हैं टाइप की है, तो गुंडा मामा सवाल करता है कि क्या उसकी फैमिली कभी खुशी कभी गम जैसी है। रेडी में एक गाना है कैरेक्टर ढीला, लेकिन यहाँ तो पूरी फिल्म ही ढीली नजर आती है। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 2 स्टार। आइए अब एक नजर डालते हैं नई फिल्म भिंडी बाजार पर। जो जितना ऊंचा होता है उसे काटना उतना ही आसान होता है। जब एक वजीर मरता है, मामूली सा प्यादा वजीर बन जाता है। अपना जो बच्चा लोग है ना,
संकेत करता है। गलाने ये चोर बाजार में कोई नहीं रहना चाहता, मुझे भी अपनी लाइफ बनानी है। पतंग उड़ाते ना हम लोग तो कभी कभी मांझे से कबूतर मर जाता है, अफसोस नहीं करने का उसका। भिंडी बाजार सारा है, काटने का खाने का मजा लेने का, किल इट ईट इट फॉरगेट इट। जो दंगा होता है ना उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि कौन किसको मारता है ये पता ही नहीं चलता। चोर बाजार का उसूल है साला, एक मऊ मरता है तो दूसरा बनता है। आज से सेरिया का मामू मैं हूं बेटा, मैं समझा गया। राय बादशाह के लिए नहीं होती, बादशाह के लिए होती, जानते हो बादशाह? सत्ता। मूवी टुडे में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।